हेलो दोस्तों, मेरा नाम तोहिदुर रहमान है और मैं हूँ टीम नेक्स्ट बिग ब्रांड से। आज के इस एनबीबी न्यूज़ सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एप्पल के हाल ही में लॉन्च किए गए एप्पल आईफोन 12 के बारे में। तो क्या है ये आईफोन 12 में, क्या नया है आईफोन 11 से, क्या क्या इसमें कुछ अपग्रेड्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इंडिया में जो है इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है वो भी मैं आपको आराम से बताऊंगा। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बिग ब्रांड जब भी कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बात करें हम यहाँ पे आईफोन 12 लाइनअप सीरीज़ की, तो भाई एप्पल ने कल जो है यानी कि 13 अक्टूबर को फाइनली चार आईफोन्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, डिस्प्ले साइजेस में थोड़ा सा फ़र्क है, और इसके अलावा जो है चिप जो है वो आपको सेम मिलेगा सब में। A14 बायोनिक चिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सभी आईफोन्स में। डिस्प्ले में जो है आपको OLED पैनल देखने को मिलेगा सभी आईफोन्स में। इसके अलावा IP68 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग यहाँ पे सभी आईफोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कैमरा सेंसर जो है आपको यहाँ पे सभी आईफोन्स में सेम ही मेगापिक्सल के मिलेंगे, चाहे वो आपके मिनी या आईफोन 12 में हो, जहाँ पे दो दो कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 12-12 मेगापिक्सल के फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा, वहीं पे आपको आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहाँ पे जो सेंसर्स है वो भी वहीं पे 12 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स की, तो यहाँ पे आईफोन 12 मिनी जो है उसका स्क्रीन साइज़ आपको 5.4 इंचेस का देखने को मिलेगा, वहीं पे जो आईफोन 12 है उसका जो स्क्रीन साइज़ आपको 6.1 इंचेस का देखने को मिलेगा, और जो पैनल होगा जैसे कि मैं बता चुका हूँ वो OLED होगा। बॉक्सियर डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपने शायद अगर आईफोन 4 यूज़ किया हो तो उसी के जैसा सिमिलर डिज़ाइन है यहाँ पे। उसके अलावा अगर चिप की बात करें तो यहाँ पे A14 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा, जो कि A13 से ऑब्वियसली फास्टर है। CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो ये A13 से 40% ज़्यादा फास्टर होने वाला है, और GPU की बात करें तो 30% ये ज़्यादा वहाँ पे फास्टर परफॉर्मेंसेज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बताया ये गया है कि इसमें जो है 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलेगा इसमें, जो कि आपको 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड जो है ये करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैमरा की बात करें तो 12 मिनी और 12 में जो है सेम ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 12 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स होंगे पीछे, जो पहला सेंसर होगा वो वाइड एंगल सेंसर होगा और जो दूसरा सेंसर होगा वो अल्ट्रा वाइड होगा। जो पहला सेंसर होगा वो f1.6 अपर्चर का होगा और जो दूसरा सेंसर होगा वो होगा 2.4 अपर्चर का। वहीं पे बात करें अगर हम प्राइसिंग की, तो भाई आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 जो है यहाँ पे तीन वेरियंट्स में अवेलेबल है। 64GB स्टोरेज वेरियंट, 128GB स्टोरेज वेरियंट और 256GB स्टोरेज वेरियंट। मिनी की बात करें हम, तो वहाँ पे 64GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस है 69,900 रुपीज़, 128GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस है 74,900 रुपीज़, और 256GB की प्राइस है 84,900 रुपीज़। वहीं पे बात करें अगर हम iPhone 12 के प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 64GB मॉडल आपको जो है 79,900 का देखने को मिलेगा, 128GB मॉडल जो है 84,900 का आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो 256GB वेरिएंट है वो जो है आपको 94,900 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर अब हम यहाँ पे iPhone 12 Pro और 12 Pro Max की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आपको स्क्रीन साइज़ में देखने को मिलेगा, और जो कैमरा सेटअप है उसमें जो है हल्का सा ऊपर नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पे जो iPhone 12 Pro है वो शुरू होता है 6.1 इंच के स्क्रीन साइज से, और वो जो है आपको वहाँ पे OLED पैनल ही देखने को मिलेगा। वहीं पे 12 Pro Max की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी जो है आपको A14 का बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा दोनों में। कैमरा सेटअप जो है यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपका f1.6 अपर्चर का होगा। वहीं पे अगर अल्ट्रा वाइड की बात करें तो यहाँ पे f2.4 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर टेलीफोटो लेंस की बात करें तो वो f2.0 का जो है यहाँ पे अपर्चर का देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन 12 Pro Max में जो है ये टेलीफोटो लेंस जो है f2.4 अपर्चर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि 12 Pro Max में जो है आपको यहाँ पे 47% बड़ा यहाँ पे कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, वहीं पे जो 12 प्रो में है वो आपको जो है 4x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 12 प्रो मैक्स में जो है आप यहाँ पे 5x ऑप्टिकल जूम तक देख पाएंगे टेलीफोटो सेंसर से। इसके साथ ही iPhone 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में जो है लाइडर सेंसर भी देखने को मिलेगा, जो कि लो लाइट फोटोग्राफी में और बेटर ऑटो फोकस में आपको जो है यहाँ पे हेल्प करने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एप्पल जो है प्रो रॉ फॉर्मेट भी यहाँ पे जो है रोल आउट कर रही है, जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल पोस्ट फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल ने यहाँ पे ये भी कहा है कि सभी आईफोन्स में आपको यहाँ पे जो है 4K Dolby Vision HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 12 Pro और 12 Pro Max में भी तीन वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला है 128GB स्टोरेज वेरिएंट, 256GB और 512GB स्टोरेज वेरिएंट। वहीं पे 12 Pro Max में भी आपको सेम ही वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 12
की जो स्टार्टिंग है वो है आपकी 128 GB के लिए 119,900 की, 256 GB के लिए 129,900 की, वहीं पे 512 GB के लिए 149,900 की, वहीं पे भी अगर हम 12 Pro Max की बात करें तो 128 GB स्टार्ट होता है 129,900 से, 256 GB स्टार्ट होता है यहाँ पे 139,900 से, वहीं पे जो 512 GB जो कि हाईएस्ट वेरिएंट है उसकी यहाँ पे कीमत 159,000 बताई गई। इसके अलावा और कुछ एडिशनल चीज़ों की बात करें तो जैसे कि कुछ र्यूमर्स आ रहे थे वो र्यूमर्स अब सही साबित हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि अब जो है आपको आईफोन 12 के डब्बे में यहाँ पे कोई भी चार्जिंग ब्रिक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे फ़ोन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे केबल देखने को मिलेगी जो कि चार्जिंग केबल, जो कि बताया जा रहा है कि USB टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पे होने वाला है। वहीं पे अब आपको जो है iPhone 12 में, सारे iPhone 12 के मॉडल्स में आपको यहाँ पे 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो iPhones जो है मिनिमम 4 से 5 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक जो है फ्यूचर प्रूफ जो है ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल ने वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट को भी अपग्रेड किया हुआ है, यहाँ पे जो है एक मैग सेफ करके फीचर इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि इससे पहले आप शायद आईपैड में देख चुके होंगे कि जहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग कॉइल होता है वहीं पे आपका मैग्नेट जो है ऐसे अचानक उसके ऊपर प्रॉपर फिट होके चिपक जाएगा मैग्नेट के मदद से और आपका जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज वो होने लगेगा। तो दोस्तों अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको आईफोन 12 जो है कैसा लगा, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको सही लगी, कुछ आपको लगता है कमी रहेगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्राइसिंग को लेके आपके यहाँ पे क्या थॉट्स है वो मुझे ज़रूर बताइए, क्या लगता है कि प्राइसेज यहाँ पे जस्टिफाइड है या फिर प्राइसेज यहाँ पे कम होने चाहिए थे, मुझे आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस NBB न्यूज़ सेगमेंट में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा, आपके कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वहीं पे अगर आप पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल ज़रूर कीजिए ताकि हम जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपको मिलूंगा कल ऐसे ही एक न्यूज़ सेगमेंट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।